टीचर्स में परफॉर्म करने के लिए होता ना, बहुत सारे सॉन्ग्स का मिक्सचर बनाते थे, मैशअप बनाते थे, सबके अलग अलग एजेंडाज होते थे। कई बार कोई अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता था, कई बार ऐसी शोशाबाजी करने के लिए। यू नो टीचर्स आर रियली इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है उस टाइम पे। एज अ बच्चे हमें लगता है कि यार हमें क्यों डांट रहे हैं, हमें ये नहीं करने देने, वो नहीं करने दे रहे। सो हाय अविनाश, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली क्या कुछ कहोगे आप सीन के बारे में, बर्थडे के बाद किस तरीके से ये नाराजगी है जो हमें लग रहा था कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर पता चला कि अभी तक कुछ ठीक नहीं है? बट सिचुएशन इज नॉट रियली गुड राइट नाउ। ऐसा लग रहा था कि गर्व का बर्थडे आया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उससे एक दिन पहले कुछ हो जाता है गर्व और तितली के बीच में। तो गर्व को ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी में सब कुछ भूल के, उसके लिए सब कुछ अरेंज किए एंड बहुत हैप्पी है गर्व। बट जब पार्टी के बाद वो रूम में कॉन्वर्सेशन करते हैं, देन दे गेट टू नो कि अभी भी उनके बीच थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं और तितली अभी भी नाराज़ है कैसे। राइट, तो किस तरीके से गर्व जो है तितली को समझाते समझाते चुप हो जाते, क्या कुछ चल रहा है और कैसे, कब तक ये दूरियाँ मिटने वाली हैं? वेल अब कन्फ्यूजन चल रहा है थोड़े बहुत, उनके बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं। गर्व अपने साइड से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज कैरेक्टर ऐसा है, ये हमेशा किसी ना किसी रीज़न के साथ आता है कि इस वजह से मैं ऐसा हूँ या इस वजह से मैंने ये किया। तो वही चीज़ें बता रहा है यहाँ पे भी कि वो लास्ट नाइट जो तुमने एक पिक्चर दिखाई थी उसकी वजह से, एंड बोलते बोलते रुक जाता है बिकॉज देयर इज सम सीक्रेट बिहाइंड दैट पिक्चर एंड वो अभी रिवील नहीं करना चाहता। बट तितली को वो पोक कर रहा है दैट शी वॉन्ट्स टू नो कि वॉट इज़ दैट। तो अभी वही चल रहा है प्लॉट हमारा। आने वाले वक्त में क्या कुछ अपकमिंग ट्विस्ट फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेल टिल नाउ यू हैव सीन व्हाई गर्व, लाइक गर्व हैज सम एंगर इश्यूज एंड गर्व डज अ लॉट ऑफ एक्शंस व्हिच ही शुड नॉट डू, बट नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द प्लॉट वेयर व्हाई गर्व इज लाइक दिस, वैसा बना कि व्हाट इज द पास्ट, सो वी आर मूविंग अहेड विद दैट पास्ट। राइट, एंड वेल अविनाश, इसके अलावा कल टीचर्स डे है, क्विक लाइक आपकी बचपन की कोई टीचर्स मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहो? यस डेफिनेटली, लाइक वी यूज्ड टू परफॉर्म ऑन टीचर्स डे एवरी ईयर एंड हमारा एक ग्रुप है जो हम लोग अभी भी दोस्त हैं मेरे वो सारे, तो हम लोग हमेशा यू नो परफॉर्म करते थे एंड वी यूज्ड टू हैव दोस छोटे छोटे सॉन्ग्स के, यू नो क्या बोलते थे उस टाइम, एक सॉफ्टवेयर आता था, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर। तो टीचर्स में परफॉर्म करने के लिए होता ना, बहुत सारे सॉन्ग्स का मिक्सचर बनाते थे, मैशअप बनाते थे। अभी तो हम वर्ड यूज़ करने लग गए मैशअप, उस टाइम पे वी डिडंट यूज़ दैट वर्ड। तो MP3 कटर आई गेस, हाँ, तो उससे हम हर फेमस गाने के हम स्टार्टिंग के 2-3 लाइन लेके हम एक क्लब करते थे, गाना बनाते थे, वी यूज़ टू परफॉर्म रिहर्स एंड सबके अलग अलग एजेंडाज होते थे। कई बार कोई अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता था, कई बार ऐसी शोशाबाजी करने के लिए। okay, आपकी फेवरेट टीचर? यार एक का नाम नहीं है यार, एंड राइट नाउ आई हैव रियलाइज दे ऑल वॉच द इंटरव्यूज, दे ऑल वॉच द शोज, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, दे ऑल आर माय फेवरेट। थैंक यू। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट जो कभी आपने मिस नहीं किया हो? फेवरेट सब्जेक्ट या गेम्स? ओके, ये टीचर्स डे क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? वेल यू नो टीचर्स आर रियली इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है उस टाइम पे। एज अ बच्चे हमें लगता है कि यार हमें क्यों डांट रहे हैं, हमें ये नहीं करने देने, वो नहीं करने दे रहे, बट ट्रस्ट मी गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस मोमेंट को जियो, बिकॉज आज से 10 साल के बाद आप इन्जॉय करोगे, रिक्रिएट करोगे वो मोमेंट्स, जब दोस्तों के साथ बैठोगे यू विल टॉक अबाउट दोज मोमेंट्स, एंड छोटे छोटे मोमेंट्स से आपको स्पेशल बनाते हैं लाइफ में। सो एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर स्कूल डेज, एन्जॉय योर कॉलेज डेज। थैंक यू।